राइट टाइम टू अपलोड फेसबुक रील ऑन फेसबुक। यानी फ्रेंड बहुत से जो क्रिएटर हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चलता है कि भाई हम अपनी फेसबुक रील को कितने टाइम पर अपलोड करें ताकि हमारे फेसबुक रील वायरल हो जाए। बहुत से क्रिएटर कहते हैं आप शाम को अपलोड करिए, बहुत से कहते हैं कि आप दोपहर में अपलोड करिए, बहुत से कहते हैं सुबह आप जैसे अपनी फेसबुक रील को अपलोड करते हो तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, अच्छे खासे आपको इंप्रेशंस मिलते हैं और आपकी रील जो है वायरल हो जाती है, बहुत से क्रिएटर का ऐसा मानना है। तो फ्रेंड क्या है वाकई में सच है? तो आज की वीडियो में फ्रेंड हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हूँ फ्रेंड, तब जाके आपके पास आया हूँ, बहुत ज़्यादा अनुभव लिया हूँ। अपने खुद के चार चार मेरे फेसबुक अकाउंट हैं, मैं उन पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और वही एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर करेंगे, यकीन करेंगे, थोड़ा सा इस पर गौर भी करेंगे कि भाई आखिरकार ऐसा हो सकता है कि कोई एक रील अपलोड करने का टाइम हो सकता है, यानी फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा कुछ होता है कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर अपलोड करेंगे अपनी फेसबुक रील को तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेंड ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी क्रिएटर कहते हैं कि भाई आप रात को अपलोड कर दीजिए, दिन को अपलोड कर दीजिए, आपकी रील वायरल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ इसमें थोड़ा सा इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे मान लीजिए भाई कि आपका फेसबुक अकाउंट है या फिर फेसबुक पेज है जो भी है आपका, और उस पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, अगर लाखों में फॉलोअर्स हैं याद रखिए, और आप उस पर अगर कोई रील वीडियो अपलोड करते हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे जो फेसबुक पेज है वो ज़्यादा कम्युनिटी है, उसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और आप रात को अपलोड करते हो यानी 7 से 8 के बीच में या 9 के बीच में, हाँ तो ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। एल्गोरिथम इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। बहुत से लोग क्रिएटर जो ये समझें कि भाई एल्गोरिथम इसमें मतलब जो है कुछ करता होगा, नहीं फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरीके से साइकोलॉजी है। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि अगर आप अपनी शाम को वीडियो अपलोड करोगे 7 से 8 के बीच में, तो उस समय बहुत से लोग खाना खाकर अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, यानी कुछ फेसबुक देख रहे होते हैं, कुछ यूट्यूब देख रहे होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर बिजी हो जाते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस समय पर अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाई देगी, यानी जितने आपके फॉलोवर हैं उसमें से कुछ लोगों को दिखाई देगी, लेकिन वायरल नहीं होगी। बहुत से लोग सोचते हैं भाई वायरल हो जाती है उसी समय, ऐसा कुछ नहीं है। वायरल होने का कोई भी टाइम निश्चित नहीं हो सकता, आपकी रात को 12 बजे वायरल हो जाए, हो सकता है आपकी सुबह 4 बजे वायरल हो जाए। तो फ्रेंड वायरल होने का कोई टाइम नहीं होता है, वायरल तब होती है जब फेसबुक पकड़ता है कि भाई आपका व्यू ऑफ अटेंशन कितना है उस पर्टिकुलर वीडियो पर जो आपकी वीडियो चल रही है। अगर व्यू ऑफ अटेंशन अच्छा खासा है, पूरी वीडियो आपकी देखी जा रही है, तो फेसबुक का एल्गोरिथम उसको ऑटोमेटिक बूस्ट कर देता है, और जब आपकी वीडियो बूस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंच जाएगी, रीच हो जाएगी अच्छी खासी उस पर, तो फ्रेंड ऑटोमेटिक ही आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो वीडियो वायरल ऐसे नहीं होती कि टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो वायरल होती है, टाइम पर अगर आप किसी टाइम पर वीडियो अपलोड करो तो वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। व्यू ऑफ अटेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो फेसबुक कितने लोगों तक रीच देता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार कितने समय पर हमको वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।